रॉकलामा फैमिली हमारे फैंस से करे वॉइस। आपको पता है आप बहुत क्यूट लग रहे हैं आप। नागी चिलुगा। और जी ये नागी चिलुगा का मतलब क्या है? आई लव यू। टर्न गेट खुल गया है। सच्ची बता रहा हूँ, ये जो बटन गेट का एंट्री करने का सिस्टम है ना गाइस, मेरे को अच्छा नहीं लगा दिल से। यहाँ पे देखते बाबा जी का ठुल्लू कांची तिम्रो रख 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 तेरी मीठी मीठी बातें। कुटु सुपड़ी दाना कुटुम कुटु फाइदो महिनामा बिहे नगरी भएको छैन। सोइगे सब सोइगे। सोइगे वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड नो क्लिकबेट नो ड्रामा ऑन रॉक ग्लैम। तो कैसे आप सबको, मैं भी एकदम खुश हूँ। तो अभी भी मैं जस्ट कहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ। कल रात को ही सिलगुड़ी से मैं ना घर आ गया था, क्योंकि आज है फुलपाती, यानी कि हम लोग का फुलपाती नेपाली कल्चर जो होता है ना प्रोग्राम हो रहा है, जो कि गोपीमन ग्राउंड के यहाँ। और मेरा दाजू भाई बहनी सब नेपाली, हमारे दीदी बहनी सबला हैप्पी दसैँ है। आपको बता दो, अभी अभी मैं जस्ट चिकन राइस खा के मैं निकल गया। अपना जो नेपाली में होता ना भैंसी का मासु होता है, भाई क्या लादी पड़ गया, मैंने बहुत ही अच्छा लगा। और ये रहे हमारे बंदे बहुत ही सेक्सी आदि भाई प्रेम राणा, हमारे सौरज मिया सिक्किम से भी आ गए हमारे भाई। और हम लोग ना जयगांव गए थे बाइक धुलाने के लिए, बट क्लोज था तो यहीं पे हम लोग ने अपना हाथ से हैंड वॉश करा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चका चक। ठोक दिया, पता है सुबह क्या हुआ, ठोक दिया यहाँ पे देखो। सुबह क्या हुआ था कि मैं गाड़ी के पीछे था, थोड़ा सा स्पीड था और ये मेरे पीछे था, आगे गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा, मैंने ब्रेक लगाया और इसका ब्रेक नहीं लगा। मेरा गलती नहीं, क्या मैं भी ठुकवा दूं फिर आगे मारुति में, और ये मेरे पीछे आगे ठुकवा दे। और यहाँ पे देख सकते मेरा कचा कुछ कर दिया, यहाँ पे देख सकते ये पूरा बैंड कर दिया। और यहाँ पे देख सकते आपका भाई फुल रेडी हो चुका है, कैसा लग रहा है कैसे नहीं कमेंट करके बता देना, ठीक है। पूरा का पूरा बॉडी लगा के हो गया 80,000 है, 80,000 के इसमें तेरा घर जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा जी, कैसे हो? नमस्ते आप सभी को। तो फाइनली हैप्पी फुलपाती, हैप्पी दशहरा, आप लोग अच्छे से मनाए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पापा जी माता जी अंदर सोई हुई, क्योंकि ना माता जी ना बीमार है। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे फाइनली माँ और पापा ने ना रॉकलामा फैमिली यूट्यूब चैनल खोल दिया गाइस। मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके हमारे रॉकलामा फैमिली को सपोर्ट करें। हमारे माँ और पिताजी खुलाए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आज हम भी जाके ब्लॉग करेगा बोल रहा था, लेकिन हमारा बीबी तो बीमार हो गया, अभी बीमार बीबी को अकेला छोड़ के हम जाने नहीं सह गए, इसलिए आज हम ब्लॉग नहीं करते, ठीक है। और मेरे चाहने वाले जितने भी है रॉकलामा फैमिली, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे रॉकलामा फैमिली माँ और पापा के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और 100 के थोड़ा जल्दी करा दे, ताकि हमारा माँ और पापा का भी सिल्वर प्ले बटन आए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फीचर्स चैनल भी हमारे माँ पापा का चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर देना। और तो अभी पापा जी ने चिकन बनाया था, क्या मस्त बनाया था। यहाँ पे प्रेम भाई खा रहे, ये देख सकते हैं भैंसी का मासु और राइस, कैसा लग रहा है प्रेम भाई? मुझे अब लग रहा है कि दोसा सॉस में आ गया, अब लग रहा है ना दोसा सॉस में आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पापा जी का स्कूटी, और यहाँ पे कुछ दिन पहले ना स्क्रैच हो गया, ये देख सकते हैं। आई डोंट नो गाइस, हमारे भाई बड़े भाई किए ना, कौन किया पापा बोल रहे थे, मुझे तो नहीं पता, देखना बेटा यहाँ पे क्या हो गया। तो देखते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है गाइस। और ये कुछ इस तरीके का हमारा घर का सीन देख सकते हैं गाइस। और गाइस जितनी भी बार आऊं, थोड़ा थोड़ा करके ना हमारा गार्डन बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फूल जड़िया वगैरह, ये देख, ये चेक करे गाइस, ये चेक करे पूरा का पूरा फूल देख सकते हैं, माँ ने क्या लगाया गाइस, सेक्सी सेक्सी। और हाँ गाइस, ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे नेपाली कल्चर कैसा होता कैसा नहीं है मैं आपको वहाँ गोपीबंद में जाके दिखाऊंगा, जो कि वहाँ पे हमारा नेपाली का प्रोग्राम हो रखा है, ठीक है। अभी निकलते हैं अपने बेबी को लेकर। और टुडे ना नो मोटो ब्लॉग, ओनली हैंड ब्लॉग गाइस, आज हम लोग हाथ से ब्लॉग करेंगे। कुछ ज्यादा ही दिन हो गया था मोटो ब्लॉग करते करते, तो आज ऐसे ही मजा लीजिए, ठीक है। और ये ना गाइस, ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और यहाँ पे भी ज्यादा देखे ना स्क्रेचेस वगैरह, बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे इसको जल्दी से रैप कराने के लिए। अगर सिलगुड़ी में किसी को पता है बेस्ट रैप कहाँ पे होता है, कमेंट करके प्लीज बता देना गाइस, कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ। और एक नाम सुना था मैंने रैप एंड राइट, वो कैसा है कैसा नहीं एक बार बता देना। A few inches later. पहली पहली बार तुझसे मिले। आई बंदे हो आई। आप भी फुलपाती बहनी। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्ला और बहुत ही ज्यादा गर्म है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का नेपाली में जो फुलपाती होता है ना गाइस, वो चीज से डेकोरेशन हुआ। और हाय बंदे पोते लोग।
बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा कुल्फी तो बनता है ना गुरु। तेरी मीठी मीठी बातें जगाए रे। तो यहाँ पे सीन ऐसा है गाइस, जो फूलपति का हम लोग का रैली होता है ना गोपीमान से भूटान गेट तक होता था वो हो चुका है और सभी आके ना थक थक के यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है। और अभी बहुत ही ज्यादा धूप है और अच्छे से प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ। आई थिंक प्रोग्राम में रात को इवनिंग को 5-6 बजे होगा। तो निकलते यहाँ से मेरे, तो अभी जगह के गली गली होते हुए हम लोग जा रहे हैं भूटान गेट के सामने, जाकर देखेंगे वहाँ पे सीन कैसा हो रखा है, ठीक है। अरे माँ का, आज मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ ना गाइस, वन एंड से ब्लॉगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये राइड करते करते। महीनों बाद घर आ गया ना, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ताइपा आंटी था ना सिंगापुर चले गए हैं, आई थिंक 4 साल बाद आएंगे। सो आंटी आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा और आपके ताइपो को भी रियली मिस यू आंटी। और यहाँ पे लौंडे लोग मजा ना छोड़ लौंडे। और मैंने सुना है कि काफी साल बाद भूटान खुला है ना, तो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है। अभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लगा है। पहले मैं बोलता था ना कि भूटान बंद होने से सबका दुकान वगैरह बंद हो गया, जिसका बंद था ना वो लोग भी आ गए, अभी दुकान सब खुल रहे और जनता चेक करे भाई साहब कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। पहले मैं जब भी ब्लॉगिंग करता था ना पूरा खाली खाली दिखता था, बट अभी भूटान खोलने के बाद ये चेक करे भाई साहब। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस, इतना ज्यादा खुशियां हो रहा था ना भूटान खोलने के बाद कि लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं खुले दिल से मैं डांस प्रैंक वीडियो फिर पहले जैसा रॉक बन सकता हूँ। और मुझे पता है गाइस, यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रॉक भैया आपका मेन चैनल डांस वाला क्या हुआ, बट अब नहीं रुकेगा रॉक लामा, कभी नहीं झुकेगा, रुको आंख थोड़ी दिन, उसके बाद धमाधम वीडियो आएगा मेन चैनल में, पब्लिक डांस वीडियो। और यहाँ पे हम लोग ने बाइक कुछ इस तरह का पार कर दिया है और अभी हम लोग स्ट्रीट रोड पे चल रहे हैं और काफी ज्यादा पब्लिक देख सकते हैं गाइस। भूटान खोलने के बाद तो पूरा मनोरंजन ही मनोरंजन। हमारे काऊ चाचा भी कितना रमा के स्ट्रीट रोड में आ गए, चाचा देख सकते हैं, चाचा चाचा चाची है ओ भाई साहब। और मैं आपको हमारे भाई से मिलाता हूँ, हमारे वांगेल भाई जो कि हमारे चचेरे भाई है। पहले जब स्कूल टाइम में हुआ करते थे ना, हम लोग बंग मारते थे था, पता है स्कूल ऑफ करके हम लोग भाग के किधर किधर जाते थे ना, घर वाला बहुत ही ज्यादा परेशान, मतलब अच्छा दोस्त दिल के बहुत ही करीब है। ये चेक करे गाइस, आज तो पूरा वीडियो ऑन होगा स्ट्रीट रोड में, ये खूबसूरत खूबसूरत देख सकते हैं, कितना खूबसूरत था कमेंट करके बता देना। ओ भैया जी कैसा लग रहा है, लाखों करोड़ों साल बाद भूटान खुल गया, गजब बेइज्जती है। कुछ इस तरीके का गाइस, जयगांव का मेन गेट ये रहा भूटान गेट और ये रहा ट्रैफिक लाइन, और यहाँ से आपको एंट्री गेट मिलेगा जहाँ से लोग जाते हैं, और भूटान गेट वहाँ से गाड़ी वगैरह जाते हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले ना गाइस, जब भूटान खुला था ना यहाँ पे इतने ज्यादा भीड़ थे ना, इसीलिए मैं अच्छा हुआ कि थोड़ा सा लेट से ही आया। अभी तो भूटान खुल गया, बस ये कॉन्क्रीट वॉल जो है ना भाई साहब, कितने बड़े बड़े वाले ये लाइन देख सकते हैं, मतलब भूटान घुसने के लिए ये एंट्री गेट आपको देखना पड़ेगा, ये चेक करें। ओ भाई साहब डन में बढ़िया पिक्चर चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है इतने सालों बाद भूटान खुल गए? हमको तो ये भीड़ देख के बोरिंग लग रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, अभी इतने सालों बाद खुले तो रूल्स रेगुलेशन बहुत ही अच्छा हुआ ना भूटान में, रेगुलेशन अच्छा हुआ कि, लेकिन ये सिस्टम नहीं हुआ ना, सिस्टम नहीं हुआ ना। इतना देखिए अभी बाल बच्चा है, इतना गर्म में कितना पैक पैक हो रहा है, कितना पैक पैक हो रहा है, तो ये फ्रीडम होना चाहिए थोड़ा। बात तो सही है, ये तो बात सही कहा, गर्म में अभी कोई तो गिर भी गया होगा इधर। हमारे रॉक लामा फैमिली हमारे फैंस चेक करे वॉइस, थैंक यू सो मच गाइस। बट कोई नहीं गाइस, भूटान खुला अच्छी बात तो ये है, बट एंट्री करते करते ये चेक करे, और ऊपर से बहुत ही ज्यादा गर्मी भी है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देने को मिल रहा है जो कि गर्मी में एकदम चपक चुप चिपटे रहे बसे गए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मजा मचो, मुझे अपने घर जाना है ना कि चलूंगा। तो यही है सीन गाइस, भूटान गेट खुल गया है एंट्री करने का कुछ इस तरह का सिस्टम में, जो कि ये सिस्टम मेरे को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग भी है, मतलब घुसने के लिए तो एक फ्रीडम होना चाहिए ना, क्योंकि गर्मी भी इतना ज्यादा है। अगर कल के दिन में ये भीड़ में कोई किसी को कुछ हो गया तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सिस्टम, प्लीज कमेंट करके अपना राय दे देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम अच्छा है। जिस तरीके का ये सिस्टम है ना गाइस, कोरोना आने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग का राय दे देना कमेंट में। अरे हमारे वांगेल भाई बेंगलुरु में इतना साल रहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा ही रहा, अच्छा रहा। पहले बता दो, हमारे वांगेल भाई बहुत ही ज्यादा दुबले थे बट अभी इतना मोटा गए, इधर देखो अभी आंख भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, ये देखो। और यहाँ पे भाई ने टैटू लगाया गाइस साहब, ये देख सकते हैं टैटू के अंदर देख सकते हैं आमा लिखा है, आमा मीन्स हम लोग का नेपाली में आमा, हिंदी में जो माँ होता है, एनाकोंडा, एनाकोंडा चेक करे गाइस। और यहाँ पे देख सकते बाबा जी का ठुल्लू,
ये क्या? अरे भाई साहब मतलब क्या क्या मतलब कोई नहीं, इसका शौक होगा पूरा हो गया है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है इंडिया और भूटान का बॉर्डर, यहाँ से ये साइड में है इंडिया और यहाँ से उस साइड में है भूटान, जो कि नहीं दिख रहा क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था ना उसी टाइम पे ये कंक्रीट वॉल उठा दिया था। आई थिंक ये 12 फुट का कंक्रीट वॉल है जो कि यहाँ से आपको भूटान दिखाई नहीं देगा, ये मुंडी सुंडी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। मेरे को भूटान गेट खुला उसमें मेरा दिल खुश, बट ये देख के फेफड़ा उदास हो गया इसी भीड़ देख के, कसम से बोल रहा हूँ। बट कोई नहीं, हमारे चाहने वाले मुझे पता है भूटान में, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आना चाहता था, आपके वहाँ एक्सप्लोर करना चाहता था। बट क्या करे, यहाँ पे भीड़ चेक करे, भीड़ अभी तक खत्म नहीं हुआ गाइस। और लुक गाइस हु इज हियर गाइस, वन एंड ओनली हमारे गीगी। हाय, कैसी हो गीगी? आपको पता है आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? भूटान जा रहे हैं? आपका दोस्त किधर है? दोस्त अकेले जा रही है? अकेले मत जाओ, कितने बुरी हो गए तो बस। सब ना गाइस हमारा गीगी कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दो ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लॉलीपॉप की तरह दिख रहा है। ओह यार, आप अभी भूटान जा रहे हो तो आपको ये एंट्री देख के आपको चक्कर टाइप का नहीं आ रहा, गर्मी नहीं हो रहा है? कैसा लग रहा है, मतलब ये सिस्टम कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा दिल से? अच्छा, एक्चुअली हमारे गीगी जो है ना गाइस भूटान से है। और गीगी जी, ये नागी चिलुगा का मतलब क्या है? भाई थैंक यू सो मच, मजा आया। अरे भाई साहब करो ना, देख सकते हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत हो गए, हॉट एंड लॉलीपॉप की तरह, मतलब क्या ही बताए। और वो था एंट्री गेट और ये है एग्जिट गेट गाइस। वहाँ पे आपने देखा होगा लोगों का एग्जिट गेट और एंट्री गेट और मेन गेट, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है मेन गेट। और हमारा इंडिया का जो टैक्सी गाड़ी अंदर जाता है ना, टैक्सी के अंदर ओनली ड्राइवर ही होगा, आप पीछे पैसेंजर वगैरह नहीं लेके जा सकते। और आप बाइक पे जाते हो ना, बाइक पे भी आप अकेले जा सकते हो, पीछे कोई भी नहीं बैठा पाओगे। तो मेरे को ये पूरा दिल से मेरे को बुरा लगा ये चीज। और एक चीज गाइस, जितने भी सारे हमारे इंडिया के लोग हैं ना, भूटान में क्या सीन है पता है गाइस? पेट्रोल का दाम आपको पता है ना, इंडिया में 105 रुपया है, बट भूटान के अंदर पता है कितना है? ओनली 76 रुपीज, मतलब आप 30 रुपीज सेव कर सकते हो। और भी काफी सारी चीज है जो कि भूटान के अंदर काफी ज्यादा रेट बहुत ही ज्यादा कम है। सब जन भूटान जा रहे हैं, आई होप आप लोग इंजॉय करके आए, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अंकित भाईरस जी आ गए। वाओ, तो क्या सीन है अंकित गुरु जी, आज घूमने जाएंगे? जाएंगे जाएंगे भाई, डांस करेंगे? करेंगे भाई, गोपी मन में नाच गाना करेंगे? करेंगे। लड़की पच समझ रहे हो? ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग डारे के यहाँ घूमने आए थे, बट हमारे रॉक लामा फैमिली मिल गया। कांची तिम्रो रैक रैक रैक, थैंक यू सो मच गाइस। चले घूमिए, खाइए, पिए, मौज कीजिए और हमारा वीडियो अंतिम सांस तक देखते रहिए, ठीक है? बाय बाय। तो यहाँ पे नजारा चेक करे बॉयज, काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और ये ब्रिज चेक करे वो भाई, सो लवली एंड स्वीट ना। कसो छ भाई, जग्गा राम्रो छ? राम्रो छ। ह्याप्पी दशैं। भाई कैसे तो पूजाहरु मनायो नि? ल त अभी हम लोग कुछ इस तरीके का गुफिया में आ चुके, ये नजारा चेक कर। तो गाइस फिर से हम लोग ग्राउंड आ गए थे और थोड़ा सा मौज मस्ती करने के बाद अभी स्टेडियम के पीछे बैठे हुए, बट ये नजारा देखने के बाद ना आई एम स्पीचलेस गाइस। आप खुद ही चेक करें ये क्या सीन है गाइस। I'm
पछि तिम्रो रैक 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 भाई साहब ये क्या सीन है अंकल जी का अलग ही स्वाइक है गाइस ये है असली जिंदगी।